सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेटस वीडियोस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि क्या होता है कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और फोटो के ऊपर क्या होता है, लिरिक्स लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों, इस तरह का जो स्टेटस होता है वो लोग कैसे बनाते हैं, यही दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाना काफ़ी इजी, बहुत आसान है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नॉलेजफुल है आपके, यानी कि जानकारी के लिए, और सीख सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो तो यार वीडियो को देखते रहो लास्ट तक, सीख जाओगे बहुत अच्छे तरीके से बनाना। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहो लास्ट तक, और अगर आपने भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, फाइनली मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन की जो ज़रूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों यहाँ पे काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन है विदाउट वाटरमार्क वाला तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर उस वीडियो को आप लोग इजीली देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क। उसके बाद दोस्तों जाना आपको अपने यूट्यूब में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग वीडियो, आपको ये यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे आपके पास वीडियो खुल के आ जाएंगे। तो क्या करना है दोस्तों, आपको जो वीडियो यानी कि जो आपको गाना आपको अच्छा लगेगा, जो वीडियो आपको अच्छा लगेगा उसको क्या करना है दोस्तों, क्लिक करके सिंपली क्या करना है उसको क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे कोई डाउनलोड कर लेता हूँ, शेयर पे क्लिक करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं कोई जो होता है बेस्ट। तो दोस्तों हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं इजीली। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लगा दी। तो दोस्तों क्या करना, आपको ग्रीन स्क्रीन कोई वीडियो डाउनलोड कर लेना है जिसपे दोस्तों लिरिक्स लिखा हुआ आए, सॉन्ग तो बैकग्राउंड में चले गए, आपको बस लिरिक्स लिखा हुआ चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है दोस्तों, आपको फोटो आपको फाइंड करना होगा। तो जाना आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना क्या होगा, तो दोस्तों आपने जो सॉन्ग डाउनलोड किया है तो आपको वो देखना है कि वो सॉन्ग किस टाइप का सॉन्ग है। अगर यानी कि रोमांटिक सॉन्ग है तो रोमांटिक आपको फोटो डाउनलोड करना होगा, या अगर बेवफाई सॉन्ग है तो बेवफा टाइप के आपको फोटो डाउनलोड करेंगे, वो भी HD क्वालिटी में, ताकि दोस्तों सेम मैचिंग हो और हमारा जो देखने में दोस्तों वो अच्छा लगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना, आपको यहाँ पर सर्च करना है, मान के चलो कि आपने जो वीडियो डाउनलोड किया है जो सॉन्ग वो बेवफाई सॉन्ग पे है, उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर हार्ट ब्रोकन इस तरह से कुछ होगा, यानी जिस टाइप से दोस्तों आपका सॉन्ग रहे उस टाइप से दोस्तों यहाँ पे सर्च करके आपको फोटो डाउनलोड करना है। जाना आपको इमेज वाला ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी पसंद है उसको क्या करना, मान के चलो हम मेरे को ये वाला फोटो यहाँ पे पसंद आ गया, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इसको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद विजिट पे क्लिक करना है। विजिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके चले जाएगा वेबसाइट, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यानी कि HD क्वालिटी में आपको फोटो मिल जाएगा। इसको क्या करना है दोस्तों, इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। इस तरह से क्या करना, आपको HD क्वालिटी में आपको 4-5 फोटो डाउनलोड कर लेना है, जिस टाइप से आपका सॉन्ग है उसी टाइप से। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, मान चलो आपने 4-5 फोटो डाउनलोड कर लिया, उसके बाद दोस्तों क्या करना, आपको ओपन करना है काइन मास्टर। चलिए यहाँ पे काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 9.16 पे आपको क्लिक करना है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, यानी कि जैसे कि शॉर्ट मेकिंग वीडियो प्लेटफॉर्म उस पे डाल रहे हो तो इसको करना, या फिर अगर यूट्यूब पे डालना चाहते हो 16 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओके इसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको पकड़ करके आपको लास्ट यानी कि 10-15 सेकंड, जितना सेकंड का आपको वीडियो रहे उस तरह से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आना फर्स्ट पोजीशन पे। आने के बाद दोस्तों आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जितने सारे फोटो डाउनलोड किए ना, 4-5 फोटो जो भी डाउनलोड किया उसको आपको दोस्तों सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों फोटो सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो इसको क्या करना, थोड़ा सा इस तरह से इसको कर देना, इस तरह नीचे इसको एक एक को पकड़ करके दोस्तों इस तरह से आपको जो फर्स्ट में रखना चाहते हो उस तरह रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों सभी को इस तरह से क्या करना है, लाइन बाय लाइन इस तरह से आपको पे लेके आना है, इस तरह से आपको सेट कर देना। तो मैंने यहाँ पे जिस तरह से सेट कर दिया है तो देखते मेरे यहाँ पे 3 फोटो में काम चल गया, तो सब इसको मैं हटा देता हूँ। दोस्तों हमारे इस तरह हो गया। तो क्या, तो ये देख सकते हो दोस्तों बहुत छोटा दिख रहा है, तो क्या करना है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कर देना है, आपको इस तरह से जूम कर देना है ताकि दोस्तों ये देखने में थोड़ा लगे,
नहीं कि जूम यानी कि बढ़ा देगा तभी तो अच्छे देखने में लगेगा ना। उसके दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको चाबी वाला ऑप्शन पे, यहाँ पे चाबी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाले पोजीशन पे लेके आना है या फिर बीच में इस तरह से कुछ से भी इस तरह बड़ा कर दो कभी, फिर इसको छोटा कर दो इस तरह से। इससे क्या होगा दोस्तों, इसको ओके करके मैं दिखाता हूँ इससे होगा क्या, ये कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा दिल, देख सकते हो इस तरह से। तो क्या होगा, देखने में थोड़ा यूनिक लगने लगेगा, इस तरह से कर सकते हो। तो यानी कि तीनों को इस तरह से कर लेते हैं, जिस तरह अगर आपको नहीं करना चाहते तो अलग बात है, अगर इस तरह से करना चाहते हो अच्छी बात है कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करना है। सेकंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको भी जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ जाना आपको इन एनिमेशन में। इसके बाद जाने के बाद दोस्तों इसको कर देते हैं फैड पे, हमको क्लिक कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, आपको जो रखना हो वो रख सकते हो। तो दोस्तों वो आने के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से क्या रखना चाहते हो, वो आपको जो बेस्ट लगे वो रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस तरह से उसके आउट एनिमेशन में अगर जाना चाहते हो, आउट एनिमेशन में इस तरह कर जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको जो भी रखना चाहते हो वो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। ये यानी कि आउट होगा जब यानी आपका यानी कि ये फोटो ख़त्म हो जाएगा ना, तो इस तरह से ये आउट होगा। इस तरह से दोस्तों यानी कि सेट कर सकते हो। तो मैं फटाफट इसको भी सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फोटो का एनिमेशन जो वो किस तरह से यहाँ पे बनाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट है, आपको एनिमेशन इस तरह से क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमको करना है क्या है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आना है फर्स्ट पोजीशन पे। आने के बाद दोस्तों आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड किया है, सिंपली दोस्तों आपको उसको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जहाँ से यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको हल्का सा जूमिंग जूम कर देना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों आपको क्रोमा की। दोस्तों क्रोमा की पे क्लिक करना है। क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली कर देना है आपको इनेबल। इनेबल जब कर दोगे दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो वो लिरिक्स लिखा हुआ आ रहा है, उसको कर देते हैं हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगने लगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे क्रोमा की पे अगर दोस्तों अगर ये सबको आप मेंटेन करके दोस्तों यहाँ पे जो ये दिखा दे रहे हैं इसको दोस्तों इस तरह सेट करके आप थोड़ा यानी कि अच्छे तरीके से देखने में लगे, इस तरह से आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से दोस्तों, मेंटेन कर लेना। तो दोस्तों इस तरह करके देख सकते हो कि हमारा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से बना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो है वो स्टेटस बन चुका है। तो दोस्तों आने इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, इस पर अगर कोई इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है यानी कि ये वाला सब्सक्राइब वाला है, इसको कैसे कट करना है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है कैंची वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ट्रिम टू लेफ्ट राइट जो आपके जिधर का भी कट करना है उधर का कट कर सकते हो। हमको यहाँ पे करना है राइट का कट, तो राइट का हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या कर सकते हो, यानी कि ये हो गया सबसे इजी तरीका है, इस तरह से दोस्तों आप यानी कि कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हो लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, ओवरले पे क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है गेट मोर पे। गेट मोर पे जाने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड यानी कि इफेक्ट वगैरह जो भी है वो मिल जाएंगे, डाउनलोड करें। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ से शैडो वाला इसको मैंने किया, तो ये इसको कर देता हूँ मैं एक बार जूम इन, देख सकते हो दोस्तों इसको मैंने कर दिया इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा देखने में अच्छे लगने लगा है। दोस्तों इस तरह से क्या एनिमेशन जो है ओवरले वगैरह लगा सकते हो, ये बहुत ही आसान है। दोस्तों इस तरह से हम जो है क्रिएट कर सकते हो स्टेटस वीडियो। तो दोस्तों इस तरह से क्या कर सकते हो, ग्रीन स्क्रीन वीडियो यूज़ करके आप यानी कि इजीली बना सकते हो इस तरह से स्टेटस। दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई यानी कि कैसे बनता है, वो मैंने आपको बता दिया है। आप यानी कि और अच्छे तरीके प्रोफेशनल तरीके से आप बना सकते हो। बनाने के बाद दोस्तों आपको सेव करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना, आपका हो जाएगा सेव। तो दोस्तों इस तरह से क्या करते हो, आप बना के इसको आप इस तरह से बना सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाना सीख गए होंगे किस तरह से स्टेटस वीडियो बनता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और यार अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।